हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वैलोरेंट मोबाइल की कुछ नई इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पिछले कुछ टाइम में वैलोरेंट मोबाइल से रिलेटेड काफी सारी नई इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, जैसे कि इसके चाइनीज प्लेटर से रिलेटेड और इसके ग्लोबल बीटा से रिलेटेड। तो इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। सो यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। सो मेक श्योर कि आप इसको लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हो तो। और काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या हो गया, इतना ब्रेक फिर से क्यों ले रहे हो, इतने दिन वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो यार मेरी हेल्थ काफी ज्यादा डाउन चल रही थी पिछले हफ्ते से, और न्यूज वगैरह भी काफी कम ही पिछले कुछ टाइम में आ रही है। ये न्यूज भी मैं काफी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ आज। लेकिन अभी मैं ट्राई करूंगा कि न्यूज से हटके भी आपको कॉन्टेंट थोड़ा बहुत दे सकूं। तो हाँ, ये मत सोचना कि फिर से मैं वैसे ही इनकंसिस्टेंट हो जाऊंगा जैसे पिछले साल हुआ था, और अगर होता भी हूँ तो मुझे याद दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके, सो विद दैट बीइंग सैड इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। एंड या विदाउट any further do let's get into the video। ऑल राइट, तो इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो ये है कि यार वैलोरेंट मोबाइल से रिलेटेड 3 से 4 चाइनीज प्ले टेस्ट अभी तक टोटली हो चुके हैं, बट अभी तक कोई भी इसका ग्लोबल लेवल पे टेस्टिंग नहीं हुआ है आउट ऑफ जो कि चाइना के लिए होने वाला है। इसके ग्लोबल टेस्ट से रिलेटेड न्यूज हमें काफी टाइम पहले मिली थी जो कि इसके इन्वाइट सिस्टम को लेके थी, और उसके बाद से कोई न्यूज ही नहीं आई है। तो काफी सारे लोगों का ना यार ये क्वेश्चन है कि इसका ग्लोबल टेस्ट कब होगा, और इसका ग्लोबल टेस्ट होगा भी या फिर नहीं। तो चलो, इससे रिलेटेड आंसर मुझे पिछले कुछ दिनों में जो है मिला है, तो वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ अभी। सो ग्लोबल ईस्पोर्ट्स करके एक ईस्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वैलोरेंट के टूर्नामेंट्स वगैरह में जाती रहती है, एंड उसके ओनर हैं रुशिंद्र शाह। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के जो है ओनर है, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ओनर है, तो इनको जो है वैलोरेंट मोबाइल और वैलोरेंट के टूर्नामेंट्स वगैरह के अंदर भी इनका पार्टिसिपेशन लगा ही रहता है। तो रायट गेम्स की तरफ से उनको खुद ऑफिशियली ये मौका मिला था कि वो वैलोरेंट मोबाइल की प्रोडक्शन को देख सके, एंड उन्होंने देखा भी है वैलोरेंट मोबाइल को प्रोड्यूस होते हुए, उनको डेवलप होते हुए देखा भी है, और उसकी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को देख के इनका ये मानना है कि वैलोरेंट मोबाइल जो है इस साल में लॉन्च नहीं होने वाला है। ग्लोबली की बात कर रहा हूं मैं, तो वो जो है ग्लोबली तो 2024 में ही लॉन्च होगा, वो चीज ये बोल चुके हैं। बट हाँ, एक चीज और कंफर्म है कि इस साल में 2023 में भी हमको एक टेस्ट देखने के लिए मिलने वाला है जो कि हम जैसे नॉर्मल लोग या फिर नॉर्मल प्लेयर्स भी खेल पाएंगे। तो अभी तक मैं आपको ये बता चुका हूं कि इस साल में वैलोरेंट मोबाइल का एक ग्लोबल टेस्ट या फिर एक ग्लोबल बीटा कंफर्म है जो कि होगा, और ये चीज खुद रुशिंद्र शाह ने बोली है जो कि मोबाइल की डेवलपमेंट को देख भी चुके हैं इन पर्सन। अब देखो, इसी सेम बात से रिलेटेड एक लड़की ने यहाँ पे कुछ दिन पहले ट्वीट किया था जिसको उन्होंने जो है रिप्लाई दिया, रुशिंद्र शाह ने रिप्लाई दिया। तो इनको भी जो है सेम चीजें यहाँ पे उन्होंने कही हैं, एंड उसके साथ साथ ये भी बोला है कि आई विश आई कुड शेयर एवरीथिंग आई नो अबाउट इट, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट, इट विल बी वर्थ द वेट। तो हाँ, इसका मतलब यही है कि ये और भी काफी चीजें जानते हैं गेम के बारे में, तो वी कैन ट्रस्ट कि यार इन्होंने जो जो चीजें बताई हैं एटलीस्ट वो तो सही होंगी ही। अब देखो, तुम्हें यहाँ पे ये लग रहा होगा कि वैलोरेंट मोबाइल के ग्लोबल वर्जन के जो एक लौते टेस्टर हैं वो रुशिंद्र शाह हैं, इसके अलावा किसी और ने उसको नहीं खेला हुआ है, बट ऐसा नहीं है। रुशिंद्र शाह एक लौते नहीं है जिसे वैलोरेंट मोबाइल के बीटा को देखने का मौका मिला था। एक बंदा यहाँ पे और है जिसका नाम है जोक्स्टा। तो जोक्स्टा यहाँ पे जो है कुछ दिन पहले ट्वीट करते हैं कि इन्होंने जो है एक मोबाइल गेम को खेला है जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और उसका नाम ये बता नहीं सकते हैं, बट हाँ उस गेम को देख के काफी इंप्रेस हुए हैं, और उसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट इनको लग रहा है कि हो सकता है। एंड हाँ, इनका ये भी कहना है कि ये गेम काफी जल्दी रिलीज भी होने वाला है, और इस थ्रेड के नीचे वो एक बंदे को टैग करते हैं जिसका नाम है जजमेंट, और उसको कहते हैं कि दिस विल बी योर न्यू मेन गेम ब्रो। तो रुशिंद्र शाह की तरह नाम लेके तो एग्जैक्टली नहीं कहा इन्होंने यहाँ पे कि इन्होंने जो है वैलोरेंट मोबाइल को ही खेला है, बट हाँ जिस बंदे को उन्होंने टैग किया इस ट्वीट के नीचे जो कि जजमेंट है, तो ये जो है क्रिटिकल ऑप्स का एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर है, और अगर आप क्रिटिकल ऑप्स गेम को जानते हो तो ये भी जो है वैलोरेंट की तरह ही एक सिमिलर टैक्टिकल शूटर गेम है। सो आई पर्सनली थिंक कि यहाँ पे रायट गेम्स ने जो है इस महीने में अप्रैल के अंदर में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया था जिसके अंदर उन्होंने काफी सिलेक्टेड लोगों को उठाया, ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से किसी को उठा लिया, किसी को कहां से उठा लिया, बेसिकली जो नॉन लोग है ना उनको उठाया, और वैलोरेंट मोबाइल का जो ग्लोबल वर्जन रहने वाला, इसका चाइनीज वर्जन हम लोग सब देख ही चुके हैं, बट इसका जो ग्लोबल वर्जन रहेगा तो उसके रिलेटेड ग्लिम्स वगैरह इनको दिया है। एंड ये सब चीजें इसी महीने में हुई है, अप्रैल के महीने में ही हुई है, तब इतने सारे लोग जो है आके ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हाँ उन्होंने ये गेम देखा है, उन्होंने ये गेम देखा है। और हाँ, ये टेस्टिंग को लेकर जो डाउट था ना मेरा, ये थोड़ा सा और क्लियर हुआ जब मुझे अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही
भी पता चला ये ट्वीट की रायट गेम्स जो है इंडिया में काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को जाके विजिट कर रही है, जैसे कि सोल वगैरह को। लाइक यहाँ पे इमेजेस वगैरह वो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें रायट गेम्स की पूरी टीम को हम देख सकते हैं भाई यहाँ पे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में जाके जाते हुए। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग इन लोगों को भी दिखा चुके होंगे कि वैलोरेंट मोबाइल का जो है लुक कैसा है, एंड अभी कुछ दिन बाद जाके जब ये लोग घर चले आएंगे अपने तो ये लोग भी हो सकता है बाद में बताएं कि हाँ वैलोरेंट मोबाइल को हमको देखने का मौका मिला था और वो ऐसा था। बट हाँ सवाल ये आता है कि ये लोग क्यों इतने सारे लोगों को जाके अपना गेम खिलवा रहे हैं या फिर दिखवा रहे हैं। तो इसका मेन रीजन मुझे ये लग रहा है कि अभी देखो 2 जून आने में हमारे बीच में जो है सिर्फ एक अप्रैल और एक मई का महीना ही रह गया है। इवन अप्रैल भी काफी हद तक जो है खत्म हो चुका है, सिर्फ मई का महीना बचा हुआ है। सो दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है कि ये लोग जो है वैलोरेंट मोबाइल का मेन जो ग्लोबल टेस्ट लॉन्च करेंगे उसको 2 जून को हो सकता है ये लोग रिलीज करें, और ग्लोबल लेवल पे रिलीज करने से पहले एज अ टेस्ट ये लोग और छोटा उसको एज अ टेस्ट रिलीज कर रहे हो या फिर खिलवा रहे हो बाकी लोगों को कि हाँ भाई एक बार गेम को आप लोग खेलो, बताओ कि गेम कैसा है, फीडबैक दो, उस हिसाब से हम लोग जो है इसको इम्प्रूव करेंगे एंड फ्यूचर में और लोगों को देंगे। तो हाँ ये चीज हो सकती है, इट माइट बी पॉसिबल। और अगर तो मेरा शक सही दिशा में जा रहा है ना तो मान के चलो कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ हफ्तों में हमको जो है और भी काफी सारे ऐसे ट्वीट्स देखने के लिए मिलेंगे और भी काफी सारे लोगों से, और ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती रहेगी वैलोरेंट मोबाइल के बारे में जब तक इसका ग्लोबल बीटा जो है रिलीज नहीं हो जाता है। सो या तब तक ऐसी ही और भी काफी सारी शॉर्ट न्यूज हम लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एंड हाँ अगर आप लोग चाहते हो कि वो सारी न्यूज आप सभी से मिस आउट ना हो जाए सो मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना सो दैट उन न्यूज को मिस करने का चांस बिल्कुल ही 0% हो जाए। एंड या अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना, और हाँ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि वैलोरेंट मोबाइल का वेट कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।